Hey friends, I am Sonali Jai Mehta, your science tutor at Career Classes. आज की क्लास में हम बात करेंगे about structure of eye. As we all know, eye is very important sensory organ of our body. Eye के बिना हम पूरे वर्ल्ड को इमेजिन ही नहीं कर सकते. तो चलिए आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आई. As we all know, हमारा जो आई है वो एक आई बॉल के जैसा होता है. बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो पूरा ही एक विट्रस जेल से भरा हुआ होता है, ठीक है, जेली लाइक स्ट्रक्चर से पूरा बना हुआ एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है. तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या पार्ट होते हैं आई में. सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट सीलियरी मसल्स, द वेरी इंपॉर्टेंट मसल्स प्रेजेंट इन अवर आई. ये मसल्स जो होंगे उनका काम होगा टू होल्ड द आई लेंस, ठीक है. हमारी आई में एक लेंस होता है जिसे होल्ड करने का काम ये सीलियरी मसल्स करते हैं. लेंस को कैसे पोजीशन करना है, कब लेंस को थिक करना है, कब लेंस को थिन करना है, ये सारी एक्टिविटी कंट्रोल करेंगे सीलियरी मसल्स. नाउ द अनदर पार्ट इज कॉल्ड आयरिस. ये आयरिस जो है वो कलर्ड पार्ट है ऑफ अवर आई, ठीक है. हम किसी की भी आई देखते हैं तो किसी की आई हमें ब्लैक दिखती है, किसी का हमें येल्लो दिखती है, किसी की ब्लू भी दिख सकती है, राइट. तो अलग अलग कलर के आई आपको दिखती है, ठीक है. लेंस आप देखते हो ना, तो लेंस एक्चुअली एन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. लेंस के आगे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेंटर से हॉलो होता है, मतलब सेंटर में कुछ नहीं होता है, पर ये जो बाकी का स्ट्रक्चर होता है लेंस के ऊपर जो कलर्ड पिगमेंट है, ठीक है. तो आपको जो अलग अलग लोगों की आई अलग अलग कलर की जो दिख रही है, किसी की ब्लैक, किसी की ग्रे, किसी की कॉपर, किसी की कॉपर ब्राउन, तो ये जो अलग अलग कलर दिख रहा है आई लेंस का, ये जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयरिस. जो लेंस है उसके आगे आयरिस की प्रेजेंस के वजह से आपको आई कलरफुल दिख रही है, ठीक है. तो ये आपका है नेक्स्ट ऑर्गन, दैट इज आई लेंसेस, ठीक है. तो आई लेंस जो है वो मेन एक लेंस है जो आपके आई बॉल में लाइट को एंटर करवाता है, ठीक है. अब कभी कभी हम दूर के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, कभी कभी हम नजदीक के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कभी कभी हमारा लेंस थिक रहता है, कभी कभी थिन रहता है. तो ये जो थिक और थिननेस है लेंस की, जैसे हमने पहले बताया, उसे रेगुलेट करते हैं हमारे सिलियरी मसल, ठीक है. तो ये जो लेंस है बेसिकली ये भी एक टफ जेली लाइक सब्सटेंस से बना हुआ कॉन्वेक्स टाइप का लेंस है. अब यहाँ पे देख ही पा रहे हो कि लेंस कौन से टाइप का है, कॉन्वेक्स टाइप का लेंस है. जो भी लाइट होगी बाहर से लेंस के अंदर एंटर करेगी, ठीक है. पर लेंस के आगे हमने जैसे बताया क्या है, आयरिस है, ठीक है. तो उसका कोई थोड़ा ही पोर्शन ऐसा है जिसमें से लाइट एंटर होके आई बॉल में एंटर मतलब एंटर हो पाएगी, ठीक है. तो ये जो कलर्ड पिगमेंट है ये है आयरिस, पर थोड़ा पोर्शन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है जहां से लाइट आई बॉल में एंटर हो पाएगी, वो पोर्शन को हम बोलेंगे प्यूपिल, ठीक है. तो सेंट्रल पार्ट ऑफ आयरिस जो हॉलो है जहां से लाइट आई बॉल में एंटर होगी, ये पार्ट को हम बोलेंगे प्यूपिल, ठीक है. ओके, क्लियर. अब आई बॉल जो हमारे आई लेंस है या आई बॉल है उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसे हम बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है. तो कॉर्निया एक लेयर ही है जिसका प्रिंसिपल काम यही होगा कि वो आई बॉल को प्रोटेक्ट करे, ठीक है. कभी कभी लाइट को कॉन्वर्ज करने में भी कॉर्निया हमारी हेल्प करता है, ठीक है. इसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट सेगमेंट या पार्ट ऑफ आई बॉल, दैट इज रेटिना, ठीक है. जैसे हम कोई मूवी लगाते हैं प्रोजेक्टर पे तो उसे देखने के लिए हमें क्या चाहिए, स्क्रीन चाहिए, राइट. वैसे ही जो भी इमेजेस या जो भी अलग अलग वेवलेंथ के लाइट हमारे आई बॉल में एंटर हो रहे हैं उसे रिसीव करके इमेज फॉर्म करने के स्क्रीन हमें भी चाहिए. तो ये स्क्रीन लाइक स्ट्रक्चर है रेटिना, ठीक है. अब रेटिना के पास लाइट सेंसिंग सेल होंगे जो अलग अलग वेवलेंथ के लाइट को सेंस करेंगे, ठीक है. तो जो भी इमेज फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पे आपको जो पिंच कलर का पूरा मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्क्रीन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है रेटिना, ये रेटिना आई के बैक साइड पे पाए जाने वाला स्ट्रक्चर है जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा, राइट. ओके, अब अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आई इज ऑप्टिकल नर्व, ठीक है. तो जो भी लाइट सेंसिंग सेल्स है जो इमेज फॉर्म करेंगे रेटिना पे, वो इमेज या वो सिग्नल्स
रेटिना से लेके या लाइट सेंसिंग सेल से लेके ब्रेन तक पहुंचाने का काम ऑप्टिकल नर्व का होता है, ठीक है। तो जितने भी सेंसेशन है उसे आगे पहुंचाने के लिए ऑप्टिकल नर्व ब्रेन तक पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देयर इज अ जंक्शन बिटवीन ये लाइट सेंसिंग सेल या रेटिना, जब जहां से ऑप्टिकल नर्व के साथ जुड़ता है, ये जंक्शन को हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। अब ब्लाइंड स्पॉट ही क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये जंक्शन ऐसा है जहां पे कोई भी लाइट सेंसिंग सेल नहीं होंगे, मतलब वहां पे कोई लाइट का इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये पोर्शन ऐसा रहेगा जहां पे कभी भी कोई लाइट सेंस होगी ही नहीं, क्योंकि लाइट सेंसिंग सेल है ही नहीं, क्योंकि वहां से ऑप्टिकल नर्व पास हो रहा है, ठीक है। तो ये प्लेस को जहां पे ऑप्टिकल नर्व और लाइट रेटिना का जंक्शन है, वो पॉइंट को हम बोलेंगे ब्लाइंड स्पॉट, राइट। So this is the structure of our eye. So I hope आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो kindly हमें comment session में बताइए। आपको कोई और topic पे वीडियो चाहिए है जिसे आप अच्छे से समझना चाहते हो तो भी आप comment करके बता सकते हो। तो हमें surely बताइए कि आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा। If you like our video, kindly hit the like button. Share it with your friends and subscribe to our Career Smart Learner. और हाँ, bell icon दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी हम नया content upload करें आपके phone की घंटी बजे. So we are careers transforming your dreams into reality.